हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे। बहुत ही सिंपल, आसान, फूले फूले, बिना फटे और एकदम चटपटे, मसालेदार। चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए कितना बढ़िया पराठा बना है। उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 2-3 बारीक कटी हुई मिर्च, 2 उबले हुए से बड़े आलू और 2 बारीक कटे हुए प्याज। इधर चढ़ा देंगे कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे। तो यहाँ हमारा ऑयल गरम हो चुका है। इसमें डाल देंगे जीरा, 1/2 चम्मच जीरा और बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज। इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक ये अच्छे पक नहीं जाते हैं, तब तक इनको इसी तरह चलाते हुए भूनना है। अब ये प्याज हरी मिर्च भून चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे आलू। आलू को अच्छे से इस तरह बारीक करके फिर डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह बनाने से क्या है, हरी मिर्च भी पक जाती है और प्याज भी पक जाते हैं, और थोड़ा सा जीरा डालने से जीरे का टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर से भी पराठे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से मिक्स करेंगे और आलू को भी इस तरह से थोड़ा थोड़ा और दबा देंगे, जिससे आलू अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इस तरह बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा आलू पराठे का मसाला बनके तैयार हो चुका है। अब इसको रख देंगे हम थोड़ी देर के लिए कवर करके एक तरफ ठंडा होने के लिए। यहाँ ले लेंगे एक पतीले में आटा। इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका आटा गूंदेंगे। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। और आगे भी मेरी रेसिपी देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये आटे में नमक अच्छे से मिक्स कर दिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बढ़िया से आटा गूंद लेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है, ज़्यादा लेने से क्या है, आटा ढीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा लेकर, जैसे अपन रोटी बनाने का आटा लगाते हैं, इस तरह से आटा गूंद लेना है। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह पराठे बनाओगे तो कभी आपके आलू के पराठे नहीं फटेंगे और बहुत ही बढ़िया बनेंगे। तो इस तरह आटा भी हमारा बिल्कुल एकदम गाढ़ा नहीं लगाना है, थोड़ा मुलायम सॉफ्ट आटा लगाना है। ज़्यादा गाढ़ा आटा लगाने से क्या है, बेलने में दिक्कत होती है, तो आलू के पराठे फट जाते हैं। ये हमारा इस तरह से आटा हमने गूंद लिया है, हल्का सा नरम सॉफ्ट। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए स्पीड बढ़ा दी मैंने वीडियो की, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। ये देखिए इस तरह ये आटा गूंद के तैयार कर लिया है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सूखा आटा और लोई के लगाने के लिए। और आटे में से इस तरह से लोई तोड़ेंगे और इसी तरह हाथों से दबाकर चपटा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से
थोड़ा सा हाथों से फैला के इस तरह का चपटा लोई कर लेना है और उसके अंदर रख देना है मसाला। और इस तरह लोई को फैलाते हुए इसको अंदर आटे की कवर कर देंगे। तो इस तरह से कवर करेंगे और ये थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पार्ट आटे का रहता है इसको एक तरफ निकाल देंगे और वापस इसी तरह हाथों से हल्का हल्का दबाएंगे, फिर आटा लगाएंगे और फिर वापस हाथों से इस तरह हल्का हल्का दबाएंगे। ये देखिए इस तरह से बनाएंगे आलू के पराठे। तो वापस थोड़ा आटा लगा के और इसको बेलन से हल्के हल्के हाथों से बेल लेना है, इस तरह ज़्यादा दबाव नहीं लगाना है। और ये अगर नरम आटा रहेगा तो पराठा बेलने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से पराठे को बेल के तैयार कर लेना है। उधर तवा भी चढ़ा दिया था मैंने, तवा भी गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे पराठे को। ये देख लीजिए इस तरह से पराठे को इसमें डाल देना है, एक साइड को थोड़ा हल्का सा सेकना है और फिर इसको पलट देना है। इस पर लगा देंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल, वापस पलटेंगे और इधर की साइड पे भी ऑयल लगा देंगे। देखिए फिर इसको वापस पलट देंगे। तो देखिए हमारा आलू का पराठा कितना बढ़िया फूल रहा है। तो ये झटपट से आलू का पराठा बनके तैयार हो चुका है। मैं इसकी आपको स्टफिंग भी दिखाती हूँ अंदर से कि कैसा बना है। तो यहाँ मैंने चाकू लिया है, चाकू की सहायता से इसको किनारे किनारे पे कट लगा के काट के फिर आपको अंदर की स्टफिंग भी दिखाती हूँ। इस तरह से तो आप देख सकते हो ये अंदर स्टफिंग भी कितनी बढ़िया है। तो झटपट बनाइए आलू के पराठे। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।